ड्रॉपलेट लाइक वाटर पार्टिकल्स जो आपको डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो. समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जो आपको समझाएगा व्हाट इज ड्रॉपलेट. नाउ इस चीज को मैं आज ब्लेंडर में क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो भी कम्प्लीटली रियलिस्टिक तरीके में. और इसके लिए मैं यूज करूंगा ब्लेंडर का दी मोस्ट पावरफुल जियोमेट्री नोड्स. एंड यस, इसको मैं एकदम सिंपल टेक्निक्स को यूज करके आपको दिखाऊंगा. बाय द वे, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं VFX World. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ यू न्यू दिस चैनल देन डेफिनेटली सब्सक्राइब. तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो. सो करंटली हम है ब्लेंडर पे, और ये ब्लेंडर का कम्प्लीटली नया वर्जन है 4.1 जो रिसेंट रिलीज हुआ है. तो फिलहाल यहाँ पे एक ऑब्वियसली डिफॉल्ट सीन है, तो मैं यहाँ पे ए प्रेस करूंगा एंड डिलीट करूंगा. नाउ इफ यू वांट यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है. मैं यहाँ पे एप्पल यूज कर सकता हूँ, कोई कैन यूज कर सकता हूँ, सो लेट्स यूज एप्पल. ओके, सो गो टू फाइल, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा एक GLV फाइल, बेसिकली ये स्केच फैब से मैंने डाउनलोड किया है. इफ यू वॉन्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो एंड डाउनलोड एंड यूज इट. नाउ दिस इज माई एप्पल विथ टेक्सचर. टेक्सचर से याद है, अगर आप टेक्सचर मोड पे जाते हो तो डाउनलोड लेगा, एंड दिस इज द टेक्सचर Apple. And now the most easiest technique to create droplet. So basically ये एक blender file है जो droplet generator नाम से use होता है, इसको आज हम use करेंगे. तो how to use this, let me show you. Now go to file, आपको basically इस file को इसमें append करना है, like merge करना है, so that you can use this power of this node as in geometry nodes, like इसका geometry nodes का powers को आप use कर सकते हो. So go to files, and यहाँ पे आता है आपको append का option मिलेगा. Simply click this append, and you need to browse your folder जहाँ पे आपने आपका ड्रॉपलेट जनरेटर, ये जो एड ऑन वट एवर जो भी आप कह लो, जहाँ पे उसको रखे हो. फोल्डर पे पहुंचते ही आपको सिंपल इस पे डबल क्लिक करना है. यहाँ पे आपको मिलेगा डॉट ब्लेंडर फाइल, सिंपली डबल क्लिक, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा फोल्डर्स मिलेगा. डोंट वरी, यहाँ पे आपको मिलता है नोड ट्री, डबल क्लिक, और यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉपलेट का जो मेन फोल्डर्स है वो आप सबको सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल सिलेक्ट एंड एपेंड, अब आपके अंदर फाइल के अंदर सब कुछ मर्ज हो गया है. नाउ सिंपली सेलेक्ट द एप्पल, यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन, एंड गो टू एड मॉडिफायर, और यहाँ से आपको मिलेगा ज्योमेट्री नोड्स. सिंपली क्लिक दिस, तो छोटा सा आइकॉन मिलेगा यहाँ पे ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट टू एंड जीरो ड्रॉपलेट जनरेटर. तो इसको सिंपल आपको क्लिक करना है, एंड जैसे आप क्लिक करोगे आप देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके अराउंड जो है यहाँ पे आ चुका है. अब ये बहुत छोटा होता है, सो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है. सो मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले आपको एक बेसिक सा लाइट सेटअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसका रिफ्लेक्शंस को समझ ही नहीं पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक नॉर्मल व्यू पोर्ट पर चलता हूँ, एंड शिफ्ट ए, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ एक कैमरा, कंट्रोल ऑल्ट एंड जीरो, स्नैप हो जाएगा हमारे मेन कैमरा व्यू पे. एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल्स को फिक्स करूंगा, जस्ट लाइक दिस, एंड मेक श्योर ये थोड़ा सा यू नो लंबे शॉट्स में अच्छा दिखता है. सो गो टू कैमरा सेटिंग्स, एंड मैं यहाँ से कर दूंगा 80 mm. नाउ ये थोड़ा सा सिनेमैटिक आपको लुक क्रिएट करने में हेल्प करेगा. अब यहाँ पे मैं एक बेसिकली एनवायरमेंटल लाइट यूज करूंगा, सो गो टू कलर्स, एनवायरमेंटल टेक्सचर, अब यहाँ पे कोई भी एनवायरमेंट यूज कर लो. अब ये एक प्रोडक्ट बेस्ड आउटपुट होने वाला है, तो यहाँ पे मैं कुछ आउटडोर एनवायरमेंट यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं बस स्टूडियो बेस्ड HDRI यूज करूंगा. अभी देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा स्टूडियो बेस्ड HDRI मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है. तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक करके ओपन करता हूँ. अब ये कम्प्लीटली रैंडम है, जैसा आप चेक करोगे वैसा आपका आउटपुट आएगा. सिंपल गो टू रैंडम व्यू, एंड बाय द वे करंटली वी आर इन ईव मोड, सो मैं थोड़ा सा भूल गया था, इसको मैं साइकिल्स पे थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ. गो टू साइकिल्स, CPU, GPU, एंड मेक श्योर सैंपल्स इन रियल टाइम, डीनोइजर का 20 रखो ताकि हैंग ना करे. एंड नाउ गो टू हियर एंड यू कैन सी दिस. ऑलराइट, सो अभी अगर आपको इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है वो आप कर लेना बाद में, फिलहाल तो मुझे अभी इसमें ड्रॉपलेट को जनरेट करना है. नाउ सिंपली सेलेक्ट दिस, गो टू द सेटिंग्स, अभी यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा. द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक इसको कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो नॉइस पैटर्न्स है. तो यहाँ पे जो डेंसिटी है फिलहाल 500 है, लो रख के काम करो, एंड एंड में इसको आप बढ़ा देना एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. तो अगर आप स्केल में जाते हो, यहाँ पे आप सिंपल स्केल को मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा. सो देखो ऑटोमेटिक ड्रॉपलेट्स बढ़ गया, एंड ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग वेल, बट यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शंस ज्यादा नहीं दिख रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रोटेट द एनवायरमेंट. सो गो टू एडिटर, शेडर एडिटर, यहाँ से हम जाएंगे वर्ल्ड में, एंड यहाँ पे सिलेक्ट एंड कंट्रोल टी. बाय द वे अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, दिस इज ओनली लाइक ये होता तभी है जब आपको नोड रैंगुलर जो नोड है वो अवेलेबल होता है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू एनेबल दिस, गो टू एडिट एंड गो टू प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है नोड, एंड आपको मिलेगा नोड रैंगुलर, सिंपली इसको ऑन कर दो एंड यू आर गुड टू गो. नाउ आप इसको सिंपल रोटेट करो जैसे आपको ठीक लगे, एंड इन दिस केस दिस लुक्स प्रीटी नाइस. इसको थोड़ा सा हम वाई एक्सिस पर रोटेट करेंगे. ना यहाँ पे ना मेन फोकस होता है इसका लाइटिंग कंडीशन, अगर आपका इसका लाइटिंग सही नहीं होना कुछ भी कर लो ये अच्छा नहीं दिखेगा, लाइक दिख ही नहीं सकता. अब मैं थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ,
ताकि यू नो आपको ज़्यादा दिखे। अब बेसिकली आपको ना यहाँ पे पैटर्न्स के साथ खेलना पड़ेगा, लाइक HDRI लाइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो इफ़ यू वांट यू कैन प्ले विद दिस HDRI एंड ऑल। अब मैं आऊँगा इसके और ज़्यादा डिटेल्स पे। जैसे आप सेटिंग्स पे जाओगे, अब यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स दिखा जो वाटर ड्रॉपलेट की तरह थोड़ा नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय द वे दिस इज ऑल अबाउट द सब डिविजन, इंक्रीज करोगे स्लो जाएगा, डिक्रीज करोगे फास्ट हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज एंड डिक्रीज पे आपका जो वाटर का स्मूथनेस है वो डिपेंड करता है। सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन यू। नाउ द बिग ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे कुछ बिग दिख रहा है, आपको छोटे दिख रहे हैं, अगर आपको इसका काउंट्स इंक्रीज करना है, लेट्स मेक इट टू 2 एंड देखो ऑटोमेटिक आपको रियल टाइम में दिखेगा कि आप एग्जैक्टली क्या चेंजेस कर रहे हो। एंड द स्केल इज ऑल अबाउट 1.5, तो यहाँ पे एक रैंडम से पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। नाउ बिग ऑल्टरनेटिव ड्रॉपलेट्स जो होते हैं यहाँ पे, ये सब छोटे मोटे जो ड्रॉपलेट्स आप सिलेक्ट करके देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो लेट्स मेक इट 2.5, तो आप देखो ये जो यू नो कॉमा टाइप का है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, ये तभी अच्छा लगता है जब उसको आप एनिमेट कर रहे हो, बट फिलहाल के लिए 0.1 इज प्रीटी डिसेंट। तो अगर आप चाहो तो इसका ट्रेल्स को भी रख सकते हो, लाइक इफ यू इंक्रीज एंड डिक्रीज यू कैन टर्न ऑन एंड ऑफ। ऑलराइट, अब यहाँ पे ट्रेल का लेंथ वगैरह है। मिनिमम ड्रॉपलेट्स जो ये छोटे छोटे होते हैं ना उसको भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ अगर आपको चाहिए आप ज़्यादा रखो। अब क्या होता है ना, एप्पल्स को जब ठंड से बाहर निकालते हो कभी कभी बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। एंड लास्ट में आता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो यहाँ पे है, अगेन सेम चीज़, अगर आप चाहो तो इंक्रीज डिक्रीज ऑल अप टू यू। एंड यस दैट्स इट। अभी इसमें ना रियलिस्टिक सा रेंडर क्रिएट करने के लिए अगर आप नोटिस करोगे इट्स ऑल अबाउट द लाइटिंग और यहाँ पे सब डिविजन, अगर आप नोटिस करोगे दिस इज वेरी शार्प, तो गो टू दिस सब डिविजन एंड मेक इट टू 10 एंड अगेन इट कैन बी क्रैश। सो इसको हमेशा थोड़ा ध्यान से यूज कर रहा ताकि सिस्टम आपका क्रैश ना हो जाए। तो फिलहाल मैं सेफ साइड इसको 2 रख रहा हूँ ताकि मेरा सिस्टम भी कभी क्रैश ना हो। एंड नाउ यू कैन सी इट्स रियली लुकिंग स्मूथ एंड नाउ यू कैन रियली चेंज सम पार्टिकल्स कलर्स, लाइक आप जो ड्रॉपलेट है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपल गो टू सिलेक्ट एंड मटेरियल्स, यहाँ पे आपको फिलहाल तो एप्पल का मटेरियल दिखेगा जिसको भी आप एडिट वगैरह कर सकते हो। यूज करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट मटेरियल पे जैसे आओगे ये जो है अभी आपको ड्रॉपलेट को कस्टमाइज करने में हेल्प करेगा। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। जैसे अगर आप रेड कर दिए, ब्लू कर दिया, तो पार्टिकल्स के कलर जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। एंड इसके साथ आप बेसिकली खेल सकते हो, लिटरली खेल सकते हो। रफनेस इंक्रीज करोगे तो थोड़ा यू नो रफनेस यहाँ पे दिखेगा। आई डोंट नो कोई रफनेस यूज भी करता होगा यहाँ पे। फिलहाल मैं इसका पार्टिकल कलर व्हाइट रखता हूँ। एंड इफ यू वांट यू कैन चेंज द IUR वैल्यू एज वेल, लाइक 1 आपको दिखेगा नहीं, 1.3 है वो बेसिकली वाटर का IUR वैल्यू होता है। सो ऑब्वियसली IUR वैल्यू को मेंटेन रखना ताकि आपको ये चीज़ें दिखे। एंड लिमिट शेडोज, इसके अंदर जो शेडो जनरेट होता है उसको भी आप लिमिट कर सकते हो विद द डेप्थ। एंड नेक्स्ट ऑल अबाउट द वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट सेटिंग्स एंड ऑल। सो यस अगेन आप इसके साथ खेल सकते हो लिटरली। एंड सबडिविजन सर्विस लेने के टाइम पे थोड़ा याद रखना कि एक होता है व्यू पोर्ट, एक होता है रेंडर पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में 1 रखना, रेंडर में 2 रखना, ताकि रेंडर के टाइम ज्यादा से ज्यादा स्मूथ हो जाए। सो इसके बाद आपको बेसिकली इसमें लाइटिंग्स को मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। जितना अच्छा आप लाइटिंग दोगे उतना अच्छा आपका रियलिस्टिक रेंडर आएगा। जैसे कि इस एरिया पे देखो लाइटिंग के लिए इतना अच्छा लग रहा है, और उसी एरिया चीज का इस एरिया को देखो यहाँ पे लाइटिंग शेडो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फेक लग रहा है, लाइक देयर इज नो शेडो। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग फोकस ऑन द लाइटिंग, देन आपका चीजें रियलिस्टिक बनेगा। सो दिस इज द वे यू कैन यूज दिस ड्रॉपलेट जनरेटर्स, लाइक इसको यूज करके आप बनाओ अपना जो भी चीजें इंस्टाग्राम पर टैग करो। एंड डेफिनेटली मैं इसको रीशेयर करूंगा। एंड पसंद आया वीडियो को देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। एंड मैं सेल्फ रजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VFX World। बाय बाय।